Assalamualaikum students, this is Sir Yasir. Sample number one. Cash book क्या होती है हमारी? हम cash book में record maintain करते हैं किस चीज का? सिर्फ cash का और bank का. यानी cash और bank में किस तरह पैसा आ रहा है, किस तरह पैसा जा रहा है, उसका आप record maintain करते हैं. तो अपनी आसानी के लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले इस data की working के लिए journal entries बना ली. Example one, Mr. Yasir, a sole trader, uses 3-column cash book. For his business on June 1st, 2014. He had a cash on hand 25,000 and cash in bank 35,000. During the month, he completed the following transactions. The balance hai aur balances ki koi journal entry nahi banti. Then I received a check from Israna company for 2400 and allowed them discount rupees 100. Check received kiya to paisa aaya. Paisa aayega to cash ho jayega debit, sale discount ho jayega debit aur account receivable credit ho jayega. कितने से 2400 से कैश आया, 100 रुपए का सेल डिस्काउंट और अकाउंट रिसीवेबल 2500 से क्रेडिट हो जाएगा. पैसा आया तो कैश डेबिट, डिस्काउंट एक्सपेंस बढ़ गया तो डेबिट और रिसीवेबल कम हो गया तो क्रेडिट हो जाएगा. जब भी चेक रिसीव होता है उसे हम एज अ कैश कंसिडर करते हैं. चेक हमारे लिए क्या होता है, कैश होता है. उसने में कैश का किया डेबिट, सेल डिस्काउंट डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट. फिर डिपॉजिटेड इसरानास कंपनीज चेक इन द बैंक. सराना का चेक अपने बैंक में जमा कराया तो बैंक डेबिट हो जाएगा 2400 से, कैश क्रेडिट हो जाएगा 2400 से. ठीक है जी. उसके बाद है डिपॉजिट कैश इनटू बैंक. अच्छा, चेक जो रिसीव हुआ था 2400 का उसको ही बैंक में जमा कराया, बैंक में पैसा आया और मेरे पास से कैश गया 2400. 15 में क्या हुआ, इशू हुआ चेक फॉर रुपीज 2500 टू कफील कंपनी एंड फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट रुपीज 3000. चेक दिया कफील को, अकाउंट पे डेबिट 3000 से, चेक दिया तो बैंक को जाकर क्रेडिट और परचेज डिस्काउंट क्रेडिट जाएगा 500 से. चेक दिया तो 2500 से बैंक क्रेडिट, 500 का परचेज डिस्काउंट, अकाउंट पेबल 3000 से लिखेंगे. जून 15 के बाद है 27, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 10000. बैंक में कैश जमा कराया, बैंक क्या हो जाएगा डेबिट और कैश क्या हो जाएगा क्रेडिट, कितने से 10000 से. नेक्स्ट उसके बाद 27 अगेन, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 3000. पर्सनल यूज के लिए आपने बैंक से पैसा निकाला, उसके लिए बड़ी यूज होता है ड्रॉइंग. और बैंक से पैसा गया तो बैंक को जाएगा क्रेडिट और ड्रॉइंग क्या हो जाएगा डेबिट. तो ड्रॉइंग हो गया डेबिट और बैंक को जाएगा क्रेडिट. ठीक है जी. इसके बाद लास्ट एंट्री है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज. पर्सनल यूज के लिए ड्रॉइंग लिखते हैं, आपने ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसा निकाला, यानी ऑफिस में कैश की जरूरत थी, कहा जाओ बैंक से पैसा लेकर आ जाओ. जब बैंक से पैसा लेकर आया, कैश मेरे पास ऑफिस के अंदर आया तो कैश हो जाएगा डेबिट और मेरे बैंक से पैसा चला गया तो बैंक को जाएगा क्रेडिट, कितने से 5000 से. तो कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट कितने से 5000 से एंट्री बनी वाली. अच्छा जी, अब हम करते हैं इसकी कैश बुक. ठीक है ना भाई, अब आप किस पे आते हैं हम. ये है इसकी कैश बुक, ये इसकी रिसीव साइड है और इसकी पेमेंट साइड है. यहाँ इस तरफ पैसा आता है और इस तरफ से पैसा जाता है. ठीक है, ये कैश का कॉलम है. कैश इधर आएगा, बैंक में इधर आएगा पैसा, कैश से यहाँ से जाएगा पैसा, बैंक से यहाँ से जाएगा पैसा. परचेज डिस्काउंट का कॉलम है और यहाँ सेल डिस्काउंट का कॉलम है. देखिए, पैसा आता है, सेल करोगे तो पैसा आएगा, उसका जो डिस्काउंट होगा क्या कहलाएगा, सेल डिस्काउंट. पैसा जाता है, कुछ खरीदोगे तो पैसा जाएगा, यानी परचेज डिस्काउंट. ठीक है ना भाई, ओके. अच्छा भाई, अब आते हैं सबसे पहले तो बैलेंस की तरफ. June 1st, 2014 को कैश ऑन हैंड है 25,000 और कैश इन बैंक है 35,000. ये दोनों बैलेंस है 25,000 और 35,000. बैलेंस आपने कॉपी किया, कैश है 25, बैंक में है 35,000. कहाँ लिखा आपने ये बैलेंस है. अब डेट कौन सी आएगी, 2014 जून में. ठीक है बच्चों, पर्टिकुलर में रीजनिंग लिखेंगे किस वजह से कैश और बैंक डेबिट हो रहा है, और इस पर्टिकुलर में रीजनिंग लिखेंगे किस वजह से कैश और बैंक क्रेडिट हो रहा है. तो मतलब जो चीज डेबिट की होगी वो लिखी जाएगी जब कैश और बैंक क्रेडिट हो रहा होगा, और जब कैश और बैंक डेबिट हो रहा होगा तो उसका जो क्रेडिट साइड होगा वो यहाँ लिख दिया जाता है. ठीक है, और पी आर में अगर कॉन्ट्रा एंट्री हो तो उसका सी लिखते हैं दोनों साइड. अच्छा जी, अब
पहले तो बैलेंस कॉपी करें, बैलेंस हमेशा आपके पास पॉजिटिव साइड पे होते हैं, तो इसलिए हमने बैलेंसेस को यहाँ पे लिखा हुआ है 25,035,000 से। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट एंट्री से हम कैश बुक बना लेते हैं। भाई पहली एंट्री में कैश और सेल डिस्काउंट दोनों क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं। हमने इन दोनों को यहाँ डेबिट किया, कैश के कॉलम में कैश लिखा, सेल डिस्काउंट के कॉलम में सेल डिस्काउंट लिखा, और इनका क्रेडिट क्या हो रहा है, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है, तो पर्टिकुलर में लिख देंगे अकाउंट रिसीवेबल। डेट आ गई June 6, उसके बाद June 6 के बाद June 11, बैंक डेबिट है और कैश क्रेडिट है। तो भाई 2400 से June 11 को बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, तो भाई यहाँ हो गया बैंक डेबिट June 11 को और यहाँ हो गया कैश क्रेडिट 2400, ठीक है ना भाई। कॉन्सिडेट June 11, यहाँ बैंक डेबिट है किसकी वजह से, कैश की वजह से, या कैश क्रेडिट है किसकी वजह से, बैंक की वजह से। तो रीजनिंग में हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया June 11 के बाद अगली डेट है June 15, बैंक और परचेज डिस्काउंट हो रहा है क्रेडिट और अकाउंट पेबल है डेबिट। तो बैंक और परचेज डिस्काउंट, बैंक के कॉलम में बैंक लिखा, परचेज डिस्काउंट के कॉलम परचेज डिस्काउंट लिखा, यहाँ लिखा अकाउंट पेबल, डेट आ गई June 15। एक बात और बता दूं कि भाई इससे पिछली एंट्री में June 11 को PR में CB लिखना था कॉन्ट्रा एंट्री, यहाँ कैश क्रेडिट है यहाँ बैंक डेबिट है, जब एक एंट्री दोनों तरफ आती है तो PR में C लिखते हैं, यानी कैश 2400 इसके यहाँ पर आ रहा था, ठीक है, और ये बैंक में जमा हो रहा था, तो यहाँ बैंक में इधर डेबिट है और यहाँ बैंक, यहाँ कैश क्रेडिट है, एक एंट्री दोनों तरफ आ रही है, यानी June 11 दोनों साइड पे, यहाँ बैंक है कैश की वजह से, यहाँ कैश है बैंक की वजह से, यहाँ में सी लिखा, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री जब आती है जब एक एंट्री दोनों तरफ आती है, उसके बाद बैंक है परचेज डिस्काउंट है और अकाउंट पेबल है June 15 को, 15 के बाद डेट है 27, बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, यानी ये वही कॉन्ट्रा एंट्री वाली है ये जो दोनों तरफ आ रही है। तो भाई बैंक डेबिट होगा कितने से, 10,000 से, बैंक डेबिट कर दिया और कैश क्रेडिट कर दिया 10,000 से, कैश क्रेडिट हुआ बैंक की वजह से, PR में सी लिख दिया, और बैंक डेबिट हुआ कैश की वजह से, PR में सी लिख दिया, यानी बैंक डेबिट है कैश क्रेडिट है, तो बैंक डेबिट है, इसका क्रेडिट साइड क्या है कैश है, और कैश क्रेडिट है उसका डेबिट साइड क्या है बैंक है, तो दोनों साइड पे आपका सी लिखेंगे PR में। अच्छा 27 के बाद अगली डेट पे आते हैं, फिर 27 है, बैंक डेबिट और बैंक क्रेडिट है 3000 से, 3000 से आपका बैंक क्रेडिट हो रहा है इसकी वजह से, बैंक की वजह से, तो मैंने 3000 से बैंक क्रेडिट किया बैंक की वजह से June 27। लास्ट डेट June 30, कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट है, 5000 से कैश डेबिट और 5000 से बैंक क्रेडिट है, ठीक है जी। तो कैश डेबिट हो जाएगा 5000 से बैंक की वजह से, और बैंक क्रेडिट हो जाएगा 5000 से कैश की वजह से। PR में दोनों तरफ आप सी लिखेंगे, सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है जी। अब करेंगे सबको टोटल, कैसे टोटल होगा, पहले सेल डिस्काउंट टोटल किया मैंने यहाँ पर, यहाँ कॉपी कर दिया सेल डिस्काउंट कितना आया 100 रुपए, इन सबका टोटल किया 32,400 आया, इन सबका टोटल किया 47,400 आया, इसका टोटल किया 500, इन सबका टोटल किया 12,400, इन सबका टोटल किया 10,500 आया। अब ये वाला 100 नीचे लिख दिया, 500 नीचे लिखा, 32,400 इधर आ गया, ठीक है, 47,400 यहाँ पर आ गया टोटल में। क्यों आया, क्योंकि देखो 32,400 ज्यादा है या 12,000, यानी कैश आया ज्यादा है या गया ज्यादा है, कैश आया ज्यादा है, तो आया तो दोनों तरफ टोटल में लिख देंगे, सही है। और 32,400 में से 12,400 माइनस करेंगे 20,000 आ जाएगा। चेक करने का तरीका ये, इन दोनों का टोटल करेंगे 32,400 ही बनना चाहिए, 47,400 आया है और 10,500 गया है, माइनस किया कितना आया 36,900, ये पैसा बचा है आपके पास, इन दोनों का टोटल किया कितना होगा 47,400 होगा, सही है, यही वाला एज इट इज। अब ये जो बैलेंस बचा है 20,000, यानी कैश आया 32 गया 12, बचा कितना 20,
बैंक में पैसा आया 47,400 और गया कितना 10,500, बचा कितना 36,900। ये जो बैलेंस अभी बचा है जून 30 की ट्रेंड में, तो अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा बैलेंस बिलिंग। 20,000 जो यहाँ बचा था अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस, और 3600 जो बचा था वो अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1 हमारी कंप्लीट हो गई, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2।